हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करी थी, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, इनको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उन सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर भी दिखाना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु took पार्ट इन द क्विज। आपको इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया है। फर्स्ट लाइन में तो आपको लिखा है 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया। आपको नहीं पता बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने। आगे लिखा गया है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ बॉयज है और कितने गर्ल्स। तो देखिए इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें नहीं पता क्या है तो हम इसे ज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है x, नंबर ऑफ बॉयज क्या ले लेते हैं y, ठीक है। अब जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया, वो भी क्लास 10। तो हमें ये तो नहीं पता कि कितने बच्चों ने पार्ट लिया, बस ये बताया है 10 स्टूडेंट ने लिया, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं ये आपको नहीं पता। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को ऐड करके इक्वल टू लिख लेते हैं हम 10। ये इक्वेशन बनी है हमारी फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। अब देखिए इसके आगे लिखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इस लाइन से भी हम एक स्टेटमेंट निकालेंगे कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है 4। तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये हमने गर्ल्स ले लिए बॉयज इक्वल टू 4। अब देखिए आपने ये चेक करना है साइन कौन सा आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है तो माइनस का साइन। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा, तो हमारी इक्वेशन रफली ये बनेगी x इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा, ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को हमने इस रूप में लिखा कि x एंड y वेरिएबल एक तरफ एंड आपका नंबर्स एक तरफ। तो ये इक्वेशन हमने किसकी बनाई, इस वाले पॉइंट की, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो दो इक्वेशन आपको मिल गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट्स निकालने हैं और फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है x plus y equal to 10, इससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये हमने ग्राफ लिया, ऐसे हमने लाइन्स लिए, ये आपके x एंड y पॉइंट्स हैं। अब आप x में कोई भी वैल्यू रखिए, देखिए सबसे पहले मैंने x में रखा 5, तो 10 माइनस 5 क्या होगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यानी कि x में 5 रखने पे y भी आपको 5 मिलेगा। आप और कोई वैल्यू रख लेते हैं, 10 माइनस 4 आपका आया 6, यानी कि x की जगह पे हमने 4 रखा तो y आपको मिला 6। थर्ड आप वैल्यू रख लीजिए, 10 माइनस 6 रखते हैं तो आपको मिला 4, यानी कि 6 पे आपको मिलेगा 4। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 4। अब सेम हम इसके भी x एंड y के पॉइंट्स निकालेंगे और फिर दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें।
सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 4. इसे इक्वेशन निकाल लीजिए 4 प्लस y. ये आपका ग्राफ, ग्राफ के लिए ये पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, x y. अब देखिए y है यहाँ पर, तो y में आप सबसे पहले 1 रखिए, तो आपके पास x क्या आ गया, 5. देखिए जिसमें आप वैल्यू रखेंगे आप वहां पर वही वैल्यू मेंशन करेंगे, आप 1 एंड 5 नहीं लिखना तो आपका ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट हम वैल्यू रख के देखते हैं इसमें 2, तो आपके पास क्या आएगा, 6. और अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं माइनस 1, तो आपके पास क्या आएगा, 3. देखा ये उल्टा हो गया ना. देखिए x की हमने y के प्लेस पर रखा माइनस 1, तो x आया आपका 3. तो ये 3 पॉइंट आपके इस इक्वेशन के आ गए और ये 3 पॉइंट इस इक्वेशन के. अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ. ग्राफ में सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर आपका 0, ये है आपका x, यहाँ पर x एक्सिस, ये आपका y, यहाँ y एक्सिस. नंबर देखिए हाईएस्ट नंबर 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 1 से 6 तक नंबर हम ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहाँ पे भी माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस, यहाँ ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 एंड माइनस 6 लगा लिए. अब देखिए अब x पे 5 एंड y पे 5, ये आपका x है, इस पे ये 5, ये आपका y पे है, इस पे 5. तो दोनों पॉइंट्स जहां आपके टच होंगे इस पॉइंट को आप लिखेंगे 5, 5. x हमेशा पहले, y हमेशा बाद. 4 पे 6, ये है आपका 4, ये आपका 6, ठीक है. 6 पे 4, ये है आपका 6, ये है आपका 4. आप इस लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए, ये तो ये आपका ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी x plus y equal to 10 का ग्राफ हमने रिप्रेजेंट कर दी. और एक चीज इसमें आप हमेशा याद रखेंगे, ये सब आपने पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ करना है. अब सेकंड पॉइंट्स इनके देखिए, 5 एंड 1, x आपका 5, y आपका 1, तो ये आ गया आपका 5, 1. 6, 2, ये है 6 और ये है आपका 6, 2. 3 और माइनस 1, ये 3 और ये आपका माइनस 1. 3, -1, इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ये कुछ इस तरीके से जानी चाहिए, ठीक है. ये यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से नहीं करना, एकदम स्ट्रेट लाइन आपकी जानी चाहिए, जिस तरीके से ये है ऐसे. x minus y equal to 4. तो ये आपका जो हमने फर्स्ट पार्ट किया उसको हमने ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये हमने आज फर्स्ट पार्ट में किया. अब हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं. तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट देखिए, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50. यानी कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे ₹50. Whereas 7 pencils and 5 pen, अगर आप 7 pencil and 5 pens खरीदते हैं तो आपको पे करेंगे ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो देखिए ना हमें पेंसिल पता ना पेन, तो हम इन दोनों को लेट कर लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x and the cost of pen equal to 1. ये हमने 1 pencil और 1 pen का cost let कर लिया. अब हमारे पास कितनी pencil है, 5 pencil. 1 pencil का cost x है, तो 5 pencil का हो जाएगा 5 into x. 1 pen का cost y है, तो 7 pen का हो जाएगा 7y. दोनों का together cost कितनी है, together के लिए हमने plus लगाया और equal to 50. इसी तरीके से सेकंड है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 1 पेंसिल का प्राइस x, तो 7 पेंसिल इज 7x, 5 पेन इज 5y इक्वल टू 46. फर्स्ट एंड सेकंड ये दो इक्वेशन आपकी रेडी हो गई.
अब इन दो इक्वेशन से या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की, और उसके बाद उनसे पॉइंट्स निकालिए और ग्राफ में रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 5x plus 7y equal to 50। यहाँ रखा 7y, 50, ये 5x यहाँ माइनस में आ गया, y की वैल्यू 50 minus 5x upon 7। अब देखिए ये हमने लिख लिया, अब पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ आप इस तरीके की वैल्यू रखने की कोशिश करना जिसको सॉल्व करके ऐसा नंबर आए जो 7 से इजीली डिविजिबल हो जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ 3 रखती हूँ तो 5 3 15, 50 में से 15 गया 35, तो आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो आपने खुद अज्यूम करके यहाँ कोई ऐसा नंबर रख के देखना है जिससे आपको ऐसी वैल्यू मिले जो 7 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ 3 रखा x पे, तो हमें क्या मिला 5। अब कौन सा नंबर रखा जाए, क्योंकि अगर आप इसमें 1 2 कोई भी नंबर रखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आएगी, यानी कि फ्रैक्शन में आएगी। फिर उससे आप डेसिमल बनाएंगे और डेसिमल को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। तो उससे सिंपल है कि आप ऐसी वैल्यू रखें कि जो आपको सॉल्व करके आपको एक सिंपल वैल्यू दे। अब यहाँ देखिए अगर हम 10 रखें तो 50 माइनस 5 इंटू 10 बाय 7, 50 माइनस 50 बाय 7 इक्वल टू 0, बाय 7 इक्वल टू 0, यानी कि अगर हमने 10 रखा तो हमको क्या मिला भाई 0। तो ये एक सिंपल सी वैल्यू हो गई। आप थर्ड वैल्यू सोचते हैं हम क्या रखते हैं, तो वो वैल्यू रखनी है जिससे 7 से डिवाइड होने पे आपको फुली डिविजिबल ऐसी वैल्यू मिल जाए। तो आप 1 देखिए नहीं होगा, 2 नहीं, 3 हमने कर लिया, 10 हमने कर ली, और कोई वैल्यू हम देखते हैं जो माइनस किया जाए, क्योंकि 50 में से 7 के टेबल में 35, 7 14, 7 से 21, 21 के बाद 7 4 28, 7 5 35, ऐसे ही करते 42, 49, 56, इस तरीके की वैल्यू हम चेक करते हैं। तो हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं, 50 माइनस 5 हम ले लेते हैं माइनस 4, 50 प्लस 5 फोर 20 और 7, यानी कि 70 बाय 7 आपके पास से आया 10। तो हमने माइनस 4 वैल्यू रखी तो हमें क्या मिला 10। देखिए ये बहुत दूर तक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई वैल्यूज ऐसी होंगी जो आपको सिंपल सिंपल आप रखेंगे तो आपको डेसिमल में आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आप डेसिमल में भी निकालते हैं तो भी आपका गलत नहीं होगा, पर मैंने इसमें सारे नंबर ऐसे लिए कि मैं इजीली उनको ग्राफ में यूज कर पाऊं। अब हम सेकेंड वैल्यू से भी पॉइंट्स निकालते हैं, 7x plus 55 equal to 46 है, तो आप ले लीजिए 55 equal to 46 minus 7x, y आया 46 minus 7x by 5, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए जिसे हम यहाँ यूज करें और सॉल्व करने पे हमारा 5 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए अगर हम 2 रखते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ वही नंबर आना चाहिए, 5 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके वन्स प्लेस पे 0 और 5 आए। तो यहाँ आपको वही नंबर रखना पड़ेगा जिसे सॉल्व करके या तो 0 आए या 5 आए। तो 2 रखेंगे तो नहीं आएगा, 3 पे लेट्स ट्राई 3, 46 माइनस 7 इंटू 3 by 5, 46 minus 21 by 5, 25 by 5, तो आपके पास देखिए क्या आ गया 5, यानी कि हमने 3 रखा तो आपके पास आया 5। सेम इसी तरीके का हो गया, यहाँ 3 रखा था तो भी आपका 5 आया। अब नेक्स्ट नंबर कोई और ट्राई करते हैं, अगर हम 3 हो गया 4 रखते हैं तो 28 नहीं, 5 रखते हैं तो भी नहीं, 6 रखते हैं तो भी नहीं, 7 तो भी नहीं, 8 देखिए 8 रखने पे 0 आ रहा है, कैसे 46 7 इंटू 8 और नीचे 5, 46 माइनस 8 7 जब 56 अपॉन 5, तो ये क्या आया आपके पास माइनस 10 बाय 5 इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 56 बड़ा हो गया उसमें से 46 माइनस किया 10, तो आपका यानी कि 8 रखने पे क्या आया माइनस 2, ठीक है। अब हम थर्ड वैल्यू रख के देखते हैं, 9 रखेंगे तो भी नहीं, तो हमने 1 से लेके
9 तक की सारी वैल्यू इसमें यूज कर लो। अब हम माइनस की ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा इसमें सही बैठेगा। माइनस 2 करेंगे तो 14 प्लस करेंगे तो देखते हैं 46 माइनस 7 इंटू माइनस 2 बाई 5। 46 प्लस 14 बाई 5 ये आया 60 बाई 5 यानी कि 12। तो आपका माइनस 2 रखने पे आया 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इन 6 वैल्यूज को 3 दिस एंड 3 इन सब को हम ग्राफ में डाल के देखें। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू है 12, यहाँ है 10। तो मिनिमम मतलब कम से कम मैक्सिमम 12 तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 3 and 5, x पे 3, y पे 5, यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया 3, 5। नेक्स्ट है 10 पे 0, तो x पे 10, यानी x पे 10 है, y तो 0 है, तो 10, 0। माइनस 4 and 10, माइनस 4 and 10, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका -4, 10। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर देंगे, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ। सेकेंड देखिए 3 and 5 वो तो सेम ही है, 8 and -2 ये 8 और ये आपका -2 यानी कि ये आया यहाँ। थर्ड है आपका -2 and 12, -2 और 12, -2, 12 और यहाँ पर आया था आपका 8, -2। ठीक है, इस लाइन को भी निकाल दीजिए इसमें से। तो ये आपके सेकंड इक्वेशन का ग्राफ तैयार हो गया। अब देखिए दोनों इंटरसेक्ट कहाँ हुए हैं, 3 and 5 से, तो पेंसिल की कॉस्ट क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ पेंसिल है आपकी 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन आ गया आपका 5, क्योंकि दोनों जहां इंटरसेक्ट हुए उस पॉइंट से हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट करके आपको बताया कि पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट आई 3 and 5। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, वन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट द लीनियर लाइंस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जहां मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आपको बताया था कि कब पॉइंट्स लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, कब पैरेलल है एंड कब पॉइंट्स है। होप आपको वो याद होगा, तो वही इस चीज यहाँ इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या पॉइंट्स है। तो देखिए a1 = 5, a2 = 7, b1 = -4, b2 = 6, c1 = 8 एंड c2 = -9। ये मैंने कैसे लिखा, याद है ना आपको ये कैसे किया था। जो पहली इक्वेशन है वो है आपकी ABC, ये भी ABC, बस यहाँ दो इक्वेशन है तो एक को हमने 1 मान लिया, एक को हमने 2। तो ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब देखिए हम इन्हें ऐसे लिखते हैं, a1 = b1 b2 c1/c2, वैल्यू डालिए 5/7 -4/6 8/-9। इसे सिंपल बना देते हैं, ये यानी कि आपके पास ये वैल्यू। तो देखिए 5/7 ना 2/3 की इक्वल है ना इसके इक्वल, यानी कि जिस टाइम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था तो आपकी कौन से पॉइंट्स बनते थे, तब हमारे बनते थे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि ये बना है आपका यूनिक सॉल्यूशन और इस यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा आपका ओनली वन पॉइंट।
लेकिन क्या होगा आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इस वाले में, और साथ ही साथ क्या होगा जब a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं होंगे तो पॉइंट्स क्या होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो a1 a2 और b1 b2 के इक्वल नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे होंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और लाइंस क्या होंगी, लाइंस होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पूछा था लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो यहाँ होगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है। अब इसी तरीके से इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी ट्राई करते हैं। सेकंड है आपका 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 equal to 0। तो अब इससे हम चेक करते हैं हमारी वैल्यू क्या है, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 वैल्यू डाल के देखते हैं। a1 की वैल्यू 9, a2 की 18, b1 की 3, b2 is 6, c1 is 12 and here is 24। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 2 is 18, 3 2 is 6, 12 is 24, you will get 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2। जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। इसमें क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट कब होती है जब तीनों पॉइंट्स आपस में इक्वल होते हैं। और इस क्वेश्चन में सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके, अब आप खुद बताइए, लीनियर इक्वेशन और कोइंसिडेंट होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0। अब सेम इसी तरीके से हम चेक करते हैं, a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 वैल्यू डालते हैं, 6 by 2 माइनस 3 बाय, अब यहाँ देखिए क्या आएगा जिसके आगे कुछ नहीं होता, 1 माइनस 1 एंड 10 बाय 9। इसे सॉल्व करते हैं, 2 3 इज 6 माइनस 9, 3 इक्वल टू 10 बाय 9। इट मींस आपकी इक्वेशन बनी a1 इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ऐसे में आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, ये इक्वेशंस पैरेलल होगी। अब देखिए पैरेलल होगी तो लाइंस कैसी होगी, जब लाइंस पैरेलल जाती रहेंगी तो ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये क्या होंगी लाइंस, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये लाइनें आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।